हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट होने वाला है? यह असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें। यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें वो आपको बता देते हैं। यह आपका असाइनमेंट दे रखा है बीएमटीसी 134, और यह असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? यह असाइनमेंट आपका है बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए। इसका नाम भी दे रखा है एलजेब्रा। देन यह असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? यह असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और यह असाइनमेंट कौन से बच्चे बना सकते हैं? एक मिनट बच्चों। हाँ, यह असाइनमेंट कौन से बच्चे बना सकते हैं? आप में से जो भी बच्चे, ध्यान से सुनना, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जून 2023 में एग्ज़ाम देंगे या फिर दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देंगे, वो सभी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही इन फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट जो भी एग्ज़ाम देगा बीएमटीसी 134 का, वो इस असाइनमेंट के लेक्चर्स का यूज़ कर सकता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और आप ध्यान रखना, नोट करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चाहे आपके क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चंस हो, ठीक है, या फिर आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके बुक में से ही आते हैं, कहीं से भी बाहर से नहीं आते हैं ना। बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बाहर से आ गए। हम जितने भी क्वेश्चन आपको चाहे असाइनमेंट के हों या फिर प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के हो, करवाएंगे हम साथ के साथ में, दिखाते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में से किस चैप्टर में से, कौन से टॉपिक में से लिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करता है तो आप कैसे उसे कर पाओगे। बाकी की ये सारी डिटेल दे रखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि असाइनमेंट को आपको कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, या फिर आप असाइनमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट। यहाँ पे देखो, इसका कोड दे रखा है BMTC 134, और मैक्सिमम इसके मार्क्स दे रखे 100 मार्क्स का है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए, जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब यहाँ पे जो कई सारी स्टेटमेंट लिखी है ना, जैसे ये फर्स्ट वाली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कई सारी स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आप जो आंसर दोगे ना, आपको उसका रीजन भी बताना होगा। ठीक है, कि वो स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक मिनट इसे रफ कर देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, इफ आ ग्रुप जी, अगर ये ग्रुप जी दे रखा है, ध्यान से सुनना, इफ आ ग्रुप जी इज आइसोफॉर्मिक टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, देन जी इक्वल टू जेड। मतलब अगर कोई भी ग्रुप, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ग्रुप, हाँ, इसे करने से पहले एक बात और सुनना, एक मिनट बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर कोई ग्रुप जी आइसोफॉर्मिक है किसके, अपने प्रॉपर सब ग्रुप के, तो वो जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या होगा, एक्चुअली में इंटीजर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी मीनिंग हम आपको अभी समझाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक में से कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर से, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही ध्यान रखना, किसी भी एक क्वेश्चन को करने के लिए केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, और एलजेब्रा के लिए आपको अपना पूरा सिलेबस फिनिश करना होगा। ठीक है, तो ये आइसोफॉर्मिक वाला क्वेश्चन है, ये आपका कहाँ से यूज हुआ है, आपको जो यूनिट 8 है ना, यूनिट 8, आपको यूनिट 8 फिनिश करनी होगी आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं, आपको ये जो E15 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक तो आपका E15 और एक आपका E25, इसी के आगे नीचे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला क्वेश्चन E25। देखो, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, एक मिनट बस, ये वाला क्वेश्चन E25। देखो, यहाँ पर भी लिखा है, कैन अ ग्रुप इट्स प्रॉपर सब ग्रुप लाई इन द सेम आइसोफॉर्मिज्म, ये तो लिखा हुआ है। आइसोफॉर्मिक और आइसोफॉर्मिज्म में डिफरेंस क्या है, जब आप यूनिट 8 पूरा कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली में दोनों के दोनों सेम होते हैं। ध्यान रखना, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है असाइनमेंट का, पहला वाला क्वेश्चन, और आपकी बुक में ये जो दे रखा है E15,
और आपका E25, तीनों क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज है लेकिन तीनों की मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से करें तो आपको यह पूरा पढ़ना होगा। ठीक, फिलहाल के लिए हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि नीचे जितने भी स्टेटमेंट दी, यहाँ पर तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तो आपको बताना है क्या स्टेटमेंट ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आप जो भी आंसर दोगे ना, आपको उसका रीजन भी बताना होगा प्रूफ करके। ठीक है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये तो हमने आपको समझा दिया था। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ आ ग्रुप जी इज आइसोफॉर्मिक टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप आइसोफॉर्मिक है किसके, अपने प्रॉपर सब ग्रुप के, तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, तो वो ग्रुप क्या होगा, इंटीजर होगा, सेट ऑफ इंटीजर होगा। इसकी मीनिंग अभी समझाते हैं, परेशान मत होना, पूरा देखना। ये एक्चुअली में थोड़ा सा कोर्स ऐसा है, आपको सिलेबस पूरा करना होगा। अगर ये बहुत एक्चुअली में ये ईजी है, अगर आपने सिलेबस पूरा किया होगा ना तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, समझना क्या बोल रखा है, पहले पूरा देखेंगे नोट करके। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपका एक ग्रुप जी दे रखा है और वो आइसोफॉर्मिक है किसके, एक प्रॉपर सब ग्रुप के। यहाँ पे जी क्या है, यहाँ पे जी आपका एक ग्रुप है, जी क्या है, जी एक आपका ग्रुप है ना, और एच क्या है, एच आपका एक प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर सब ग्रुप। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, एच क्या आपका प्रॉपर सब ग्रुप है, और ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है आइसोफॉर्मिक का। एक सेकेंड, ये सिंबल किसका है, आइसोफॉर्मिक का, आइसो मॉर्फिक का, है ना। तो आपको यही चेक करना है, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि अगर कोई ग्रुप जी अपने प्रॉपर सब ग्रुप के क्या है, आइसो आइसोमॉर्फिक है, तो वो जो ग्रुप जी होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, हमारा सेट ऑफ इंटीजर होगा। क्लियर हो गया, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, वीडियो को दोबारा से बैक कर देखना और लिख कर देखना। ये ऐसा कोर्स है, जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बस ये बोल रखा है कि अगर कोई भी ग्रुप जी अपने प्रॉपर सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, तो जो ग्रुप जी होगा, जो ग्रुप होगा वो एक्चुअली में इंटीजर होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि जी एच के आइसोफॉर्मिक है, तो आपको ये प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है, तीन बातें आपको प्रूफ करनी होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप नोट कर लेना, फिर हम इसे रफ कर देंगे। ठीक है, पहला क्या होता है, ग्रुप जी से प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप में जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोमोर्फिज्म होना चाहिए। और होमोमोर्फिज्म कैसे प्रूफ करते हैं वो हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, सेकेंड, ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। देन थर्ड, ये जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सरजेक्टिव भी कहते हैं। अभी इसे समझा देंगे, फिर यहाँ से रफ कर देंगे। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, फिर हम सॉल्व करने से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में चेक करने के लिए बोल रखा है, ये बोला है कि चेक करके बताओ कि अगर कोई ग्रुप जी अपने प्रॉपर सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो वो ग्रुप जी जो होगा क्या वो जेड इंटीजर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई आइसोमॉर्फिक है तो हमें ये तीन कंडीशन चेक करनी पड़ती है, होमोमॉर्फिज्म की, दूसरी फंक्शन वन वन की, तीसरी फंक्शन ऑन टू की। अगर अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम मान लेते हैं कि ग्रुप जी जो है अपने प्रॉपर सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है, अभी हम इसे रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग इसे भी प्रूफ करते हैं बहुत जल्दी से, और बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ये हमें रफ करना होगा, और इस साइड जो भी हम लिखेंगे ना, ये रफ वर्क के नीचे, इसे अपने कॉपी में मत लिखना, मतलब फेयर में मत लिखना, ये समझाने के लिए है। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ट्रू या फॉल्स हम सबसे एंड में लिख देंगे, लेकिन यहाँ से इसका रीजन लिखते हैं। ठीक है ना, चेक करते हैं, लेट वी हैव अ ग्रुप, एक सेकेंड,
लेट वी हैव अ ग्रुप जी, और वो क्या है जेड, हमें जेड पर ही चेक करना है ठीक है। एंड इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, एंड इट्स प्रॉपर सब ग्रुप, तो सब ग्रुप को हम लोग एच से शो करते, ध्यान रखना, इक्वल टू में 2z है ना, वेयर वेयर 2z इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ टू ठीक है। और यहाँ पे नोट करके याद रखना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2z जो है, 2z एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है किसका, जेड का, ये आपको प्रूफ नहीं करना है ध्यान रखना ठीक है। 2z क्या है, 2z एक प्रॉपर सब ग्रुप है, ये प्रॉपर सब ग्रुप वाले टॉपिक में देखना, 2z एक प्रॉपर सब ग्रुप है, एक मिनट, एक प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, जेड का, और जेड क्या, जेड एक नॉर्मल सब ग्रुप है ना। नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन, नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन एफ सच दैट, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और वो फंक्शन कैसा होगा, एफ पहला सेट जेड होगा, कौन सा ऑपरेशन के ऊपर, प्लस के ऊपर है ना जेड, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है 2z, कौन सा ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए ही है ना। और फंक्शन क्या होगा हमारे पास, एफ एन इक्वल टू में हमारे पास 2n, फोर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। अब आपके मन में आएगा सर आपने ये फंक्शन ऐसा कैसे मान लिया, बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, समझ में आ जाएगा कि फंक्शन हम लोग कैसे माने जाते हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2z दे रखा है तो हमने 2z के अकॉर्डिंग ही फंक्शन को एज्यूम किया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी पूरी ठीक है। एंड वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक चेक दिस फंक्शन इज आइसो मोरफिज्म, आइसोमोरफिज्म और नॉट, यानी हमें चेक करना होगा कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आइसोमोरफिज्म है या फिर नहीं है। अगर ये फंक्शन आइसोमोरफिज्म है तो ये क्या होगा, तो हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू हो जाएगी है ना, आइसोमोरफिज्म को ही आइसोमोरफिक कहते हैं ध्यान रखना ठीक है। तो फिर यहाँ पे लो, और जेड इज आइसोमॉर्फिक, यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉर्फिक टू 2z, और उस समय ऐसे लिखते हैं जेड ऐसे करके और 2z है ना, इसका मतलब ये हमें बस चेक करना पड़ेगा कि ये वाला फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है या फिर नहीं है। और आइसोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं कि जेड इज आइसोमॉर्फिक टू 2z, और उसको लिखते हैं हम लोग इस तरीके से है ठीक है। बस ये लाइन ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, इस लाइन को आप लोग मत फेंकिए, फेयर काम है समझाने के लिए हम लोग ऐसे अंडरलाइन करते हैं ठीक है। अब नोट करके यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं, अगर आपको प्रूफ करना आइसोमोरफिज्म है ना, तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। पहली प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, होमोमोरफिज्म होना चाहिए, होमोमोरफिज्म होना चाहिए। दूसरा, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तीसरा, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं ध्यान रखना, इसको नीचे लिख देते हैं, ऑन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव ठीक है। अब हम लोग ऊपर वन बाय वन करेंगे, पहले होमोमोरफिज्म, पहले इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, होमोमोरफिज्म चेक करेंगे, फिर वन वन चेक करेंगे, फिर ऑन टू चेक करेंगे। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाता है तब तो हमारा जो जेड होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, 2z के, और जेड क्या है, जेड एक ग्रुप है, और 2z का एक इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। अभी इतना क्लियर है ठीक है, दो तीन बार देखना आपको समझ में आ जाएगा, तो वन बाय वन करके हम लोग करते हैं ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, सिंस
फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, इन फंक्शन ए, मैं रुक चुका, इन फंक्शन एफ सच दैट, सही तो दे रखा है एफ जेड प्लस, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये हमारे पास, ये टू जेड में जाएगा है ना, इज वेल डिफाइंड। ये फंक्शन कैसा हमारे पास है, वेल डिफाइंड है। और आपको यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करना है, वेल डिफाइंड का आपको मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो आपको कोर्स पूरा करना है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा है ना। वेयर, और यहाँ पे फंक्शन एफ के अंदर क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एन इक्वल टू में, एक सेकेंड, फंक्शन को हम लोग लिख देते हैं एफ एन इक्वल टू में टू एन फोर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन हमारे पास। अब हम यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन से रिलेटेड कि ये हमारा आइसोमोर्फिक है या फिर नहीं। सबसे पहला वाला हमारे पास क्या था, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है हमारे पास फोर होमोमोर्फिज्म, होमो मोर्फिज्म है ना। अब होमोमोर्फिज्म क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं, आपको इसके लिए भी लेक्चर सीखना पड़ेगा, हमें आप यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। लेट एम कॉमा आर बिलोंग्स टू जेड, मतलब एम और आर दो इंटीजर हैं, ठीक है, देन हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एम प्लस आर के लिए, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा टू, और एन हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था एम प्लस में आर, अरे फंक्शन यही तो था, फंक्शन कहता है एफ वन एन इक्वल टू टू एन था, तो हमने एन की जगह पे क्या पुट कर दिया, एम आर पुट कर दिया, टू ये भी कितना हो गया एम प्लस में आर, तो वही तो हमने किया है, तो ये कितना हो गया टू एम हो गया, प्लस में ये कितना हो गया टू आर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एफ ऑफ एम नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ और आपका आर हो जाएगा है ना, फोर ऑल एम कॉमा आर बिलोंग्स टू हमारा जेड, कर सकते हैं ना। अरे देखो एफ एन को अगर हम टू एन लिख सकते हैं, तो अगर कहीं पर टू एम लिखा हुआ है तो क्या ये एफ एम नहीं हो जाएगा, अगर कहीं पर यहाँ पे टू आर लिखा है तो हम इसे हम टू आर नहीं लिख सकते, एफ ऑफ आर नहीं लिख सकते हैं, बस यही हमें करना था, ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं देयर फोर, अगर हम इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं देयर फोर एफ ऑफ एन इक्वल टू में टू एन इज होमोमोर्फिज्म, और फिजम, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था वन वन है ना, फोर वन वन, और किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे चेक करते हैं, इसके लिए अपना लेक्चर से आपको वहां भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। सिंस कर्नल ऑफ एफ, तो वो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी फंक्शन एफ दे रखा है और अगर उस फंक्शन एफ का कर्नल अगर आपका जीरो आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो वाला वो फंक्शन जो होगा वन वन होगा, इतना नोट करना, अभी हम इसे यहाँ से इस हम इसे रफ कर देंगे, नोट कर लेना, अगर दिए हुए फंक्शन की कर्नल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा, इसको भी हमने प्रूफ कर रखा है, इसके काफी सारे एग्जाम्पल हो रखे हैं, वहां पे देखिएगा आप ये पूरा, ठीक है, फिलहाल के लिए इसे हम रफ करते हैं, हमें जगह चाहिए होगी। तो कर्नल एफ का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं, उसका ये तरीका होता है, कर्नल एफ में मतलब वो सारे नंबर एन आते हैं जो जेड से लिए गए हैं, कौन से जेड से, अरे फंक्शन यही तो था, देखो जेड से लेकर टू जेड है ना, तो ध्यान रखना कर्नल एफ के अंदर वो सारे एन आते हैं जो जेड से मतलब पहले वाले इससे डोमेन से लिए गए हो, किससे लिए गए हो डोमेन से, ध्यान रखना, ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, एफ ऑफ एन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ई होनी चाहिए, और ई कहाँ से आने चाहिए, इस दूसरे वाले सेट में से आना चाहिए, ये वाला को डोमेन में से, किससे को डोमेन में से, एक मिनट, को डोमेन में से, और एक्चुअली में ये है क्या, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू जेड है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, और एफ ऑफ एन, और यहाँ पे ई क्या है, ई आइडेंटिटी है, ई क्या है हमारे पास, ई एक्चुअली में आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों,
अरे बच्चों आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब तो पता होगा, पर टू जेड का क्या मतलब है? टू जेड का मतलब ये तो है, देखो तो जेड का मतलब क्या है, जेड का मतलब है 0 ± 1 ± 2 ± 3, ये जेड का मतलब होता है। टू जेड का मतलब होता है इसमें टू से मल्टीप्लाई करोगे, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ± 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे ± 4 आएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ± 6 आएगा, है ना। तो टू जेड के अंदर ये जो 0 होता है ना, 0 आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी किसे कहते हैं ये आपको पता होगा, इसलिए कह रहे हैं लेक्चर्स आपको पूरे देखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्नल एफ का मतलब है कि वो सारे नंबर जो इंटीजर जेड में होंगे और फंक्शन पर उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या आने वाला है ना। इसका आंसर यहाँ पे करेंगे, देखो बहुत आसान निकालना, इसको रफ कर देते हैं, इसे नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बात देखना, हमने ए के जगह पे 0 क्यों लिया, क्योंकि सेट तो जो टू जेड था, जो आपका टू जेड का जो सेट था, इस सेट के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये पहला हमारे पास क्या था, ये जेड था, और दूसरा वाला हमारे पास क्या था, टू जेड था, है ना। इसके एलिमेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है ना, प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे नंबर चलते हैं, ऊपर चलता है माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे नंबर चलते हैं, इतना याद रहेगा। और इसमें क्या होगा, टू जेड के अंदर, टू जेड के अंदर ये तो होगा 0 होगा, +2 +4 +6 ऐसे होते हैं, और ऊपर क्या होता है -2 -4 इस तरीके से होते हैं, समझ गए। इतने यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे। अब हमें क्या बताना, हमें वो सारे नंबर लेने हैं इस जेड में से, सुनना, हमें वो सारे नंबर लेने हैं इस जेड में से जिसमें फंक्शन में पुट करने पर आपका आंसर कैसा आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। और फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था f(2n) था, अरे फंक्शन हमारे पास यही तो था, फंक्शन क्या हमारे पास था, यही तो था 2n, यानी वो सारे n जिसको इसमें पुट करने पे आपका आंसर कैसा आ जाए, 0 आ जाए। अब खुद से चेक करना, एक मिनट खुद से चेक करके बताओ इस जेड में से कौन सा नंबर हम इस एन में पुट करें कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर 0 आ जाए। ऑब्वियस ही बात है, केवल 0, जब हम इस 2 में, अरे 2 × 0 करेंगे तभी तो आपका आंसर 0 आएगा। अब 0 के अलावा किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तब भी 0 नहीं आएगा, 2 की करोगे तब भी 0 नहीं आएगा, -1 की करोगे इस 2n में मल्टीप्लाई तब भी 0 नहीं आएगा। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें इस फंक्शन में यानी कि 2n में मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। और 0 का मतलब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी कि वो नंबर क्या होगा, वो केवल और केवल 0 होगा। अभी समझ में आ गया, पहली बात आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लिख लिख कर करनी होगी, आपको सिलेबस स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट से लेकर टॉपिक फर्स्ट से पूरा करना होगा, बीच से नहीं करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। देयर फोर, और अगर किसी फंक्शन के कर्नल का, अगर किसी फंक्शन का अगर कर्नल हमारा 0 आ जाता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। देयर फोर फंक्शन एफ इज 1 1 हो गया। अब थर्ड करते हैं, थर्ड हमारे पास क्या था, और हमारे पास क्या देखा, 4 ऑन 2, ऑन टू हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए देखो बहुत आराम से, और इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, हमें फंक्शन की इमेज चेक करनी पड़ती है, क्या चेक करनी पड़ती है, इमेज। और इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज यही तो होती है। अब देखो आपको फंक्शन सेट फंक्शन ये आना चाहिए, ध्यान रखना, कई बच्चे सेट फंक्शन छोड़ देते हैं फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो इमेज ऑफ एफ क्या होता है, एफ ऑफ एन, ठीक है, और एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब एफ ऑफ एन की वो सारी वैल्यू जो एन पुट करने पे आती है, और एन क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो जैसे अभी हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में देखना, बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो एक सेकंड बच्चों, ये सर्कल थोड़ा सा, ये तो हो गया हमारे पास जेड, है ना, ये हो गया हमारे पास 2z, और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ एन। एक सेकेंड इसे नीचे लिख लेते हैं ना, थोड़ा सा ऑरली करेंगे, आप लोग जरा समझ जाना, ठीक है, करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और ये क्या फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एन, है ना, और हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, 2n दे रखा था। और जेड के अंदर क्या होता है आप जानते हो, 0 होता है, +1
प्लस टू ऐसे चलते हैं, ऊपर माइनस वन माइनस टू ऐसे चलते हैं ना, और इसके अंदर क्या था, जीरो था, प्लस का टू प्लस का फोर यानी इवन नंबर थे, माइनस का टू माइनस का फोर ऐसे नंबर थे। अभी ठीक है चलो पुट करके दोबारा हमसे, जब हम जीरो पुट करते हैं इस फंक्शन में, यहाँ इसे रफ कर देंगे ठीक है, जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, टू इंटू जीरो कितना होगा, जीरो, यानी कि ये जीरो किससे कनेक्ट होगा, जीरो से कनेक्ट होगा। जब हम ये प्लस का वन पुट करते हैं, वाला प्लस का वन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तब आप, ताकि आपको आसान लगे, ये अगर हम प्लस का वन करते हैं तब आपका आंसर कितना आएगा, प्लस वन करेंगे तो टू इंटू वन कितना होगा हमारे पास, टू हो गया, तो वन किससे कनेक्ट होगा, टू से। जब हम यहाँ पे प्लस का टू पुट करेंगे तब कितना हो जाएगा, टू इंटू में टू, ये कितना होगा हमारे पास, फोर, टू कनेक्ट होगा फोर से। इस तरीके से थ्री किससे कनेक्ट होगा, सिक्स से, अभी क्लियर है। सेम यहाँ पे माइनस वन किससे कनेक्ट होगा, माइनस का टू से, और माइनस टू किससे कनेक्ट होगा, माइनस का फोर से, माइनस का थ्री किससे कनेक्ट होगा, माइनस का सिक्स से। कॉपी पर लिख कर देखना आपको दिख जाएगा है ना, और इस तरीके से आपको चेक करने पे आपको एक चीज दिखाई दी होगी, क्या दिखाई दी होगी, और ये फंक्शन ही तो कहलाता है, ये वाला जो हमने कनेक्ट किया। अब देखो ये सारे के सारे नंबर कनेक्ट होंगे, कुछ भी नहीं छूटा होगा, जीरो भी कनेक्ट होगा, टू भी कनेक्ट होगा, फोर भी कनेक्ट होगा, सिक्स भी कनेक्ट होगा, एट भी कनेक्ट होगा, टेन भी कनेक्ट होगा, और माइनस का टू माइनस फोर माइनस सिक्स सारे कनेक्ट हो गए। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर आएगा, जीरो आएगा, प्लस माइनस टू आएगा, प्लस माइनस फोर आएगा, प्लस माइनस सिक्स आएगा, इस तरीके से सारा आएगा है ना। और अगर हम इसमें जब टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ऐसे ही तो बचेगा, बहुत आसान है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या, ये जेड नहीं है क्या। अगर किसी फंक्शन की जो इमेज है, ध्यान से सुनना, अगर किसी फंक्शन की इमेज उसके कोडोमेन के बराबर आती है, टू जेड कॉम, टू जेड क्या कोडोमेन ही तो है, अरे ये वाला, ये इसे कोडोमेन तो बोलते हैं, ये वाला जो फंक्शन होता है, एक सेकेंड, ये जो बाद वाला जो सेट हो, ये कोडोमेन ही तो होता है, याद करो है ना। तो अगर किसी फंक्शन की इमेज, दोबारा बोल रहे हैं, अगर किसी फंक्शन की इमेज उसके कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर जो आपका फंक्शन है ना, वो क्या होगा, फंक्शन इज ऑन टू और सर्जेक्टिव ठीक है। अब देखो हमने क्या, हमने तीनों प्रूफ पढ़ दिया, हमने तीनों ये तो प्रूफ पढ़ दी, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये जो हमारा फंक्शन था, पहला हमने प्रूफ क्या कर दिया कि वो आइसोमोर्फिज्म होगा है ना, आइसो मोर्फिज्म है। दूसरा हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने वन वन भी है, तीसरा हमने क्या प्रूफ कर दिया, ऑन टू भी है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे एंड, लास्ट लाइन है, एंड फंक्शन एफ, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, एफ इज आइसो मोर्फिज्म एंड ग्रुप जी, और वो क्या होगा, जेड है ना, इज आइसोमोर्फिक। अब अगर आपको, अगर आपको आइसोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिक इन सब में डिफरेंस समझना है तो सिलेबस पूरा करना होगा ठीक है। टू ईच प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ टू जेड, और ये आपको लिखना था, यानी ये टू है, हाँ एक लाइन और लास्ट में लिख लो, एक सेकेंड इसको रफ कर देते मेरा सा। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे स्टार्टिंग में, फिर एक सेकेंड यहाँ पे लिख दोगे ट्रू ठीक है, और इसे क्लोज कर दो पैकेट में ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसी असाइनमेंट का, जो आपका असाइनमेंट है इसी असाइनमेंट का हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर टू, और लेक्चर नंबर टू में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ये वाला था ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था ठीक है। ये एक सेकंड इसको रफ कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को भी डिटेल में सॉल्व किया उसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, और साथ में दिखा देंगे कि
कि क्वेश्चन आपके बुक में से कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर में से लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको सिलेबस अपना पूरा करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे ये वाला सिलेबस BMTC 134 का। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में।